जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इन्फ्लुएंस में बेसिकली आपके पास दो इन्फ्लुएंस की मेन ब्रांचेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन में हम लोगों ने we have seen studied two types of estimation. One is point estimation and the other one is interval estimation. And the second branch of statistical inference, we will study hypothesis testing. अब ये hypothesis testing basically किसके लिए है, या hypothesis होता क्या है, तो पहले वो समझते हैं कि hypothesis जो है वो है क्या। हाइपोथेसिस टेस्ट बेसिकली हाइपोथेसिस का मतलब आता है अजम्पशन। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी बिलीफ के बारे में आप कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, और वो बिलीफ और वो स्टेटमेंट बेसिकली किसके मुतलिक होती है, वो आपके पॉपुलेशन पैरामीटर्स के मुतलिक होती है। जैसे हम लोगों ने पॉपुलेशन पैरामीटर्स पढ़े थे कि मीन एक पैरामीटर है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक पैरामीटर है, प्रोपोर्शन एक पैरामीटर है, या उनके मुतलिक आप कोई अपना बिलीफ या स्टेटमेंट दे दे रहे होते हैं। जैसे देखिए, जो आप लोगों ने देखी होगी ये कोको कोला की जो बॉटल है हाफ लीटर, वो 500 ml होती है। अब हम लोग उसको कहते हैं कि जी जो कोको कोला की हाफ लीटर बोतल है उसमें जो मिकदार है वो 500 ml है। हम एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि क्या वाकई हर बॉटल के अंदर जो कोका कोला की फिलिंग है हाफ लीटर में वो 500 ml है। तो ये जो बात हम लोगों ने बेसिकली की, ये एक स्टेटमेंट दी या एक क्लेम किया कि जी हर बोतल में जो है वो 500 ml होगा या नहीं होगा। अब जब आप इन्हीं बातों को डेली लाइफ में आप, या अक्सर आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, आप लोग दो ब्रांड्स में जाते हैं, मैं फर्ज करें आप लोग जे डॉट में चले जाते हैं, आप लोग साथ में सफायर में चले जाते हैं, तो आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि दोनों की कीमतों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो डिफरेंस नहीं है बेसिकली आप किसके मुतालिक बात कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड एविएशन के मुतालिक बात कर रहे हैं, ठीक है जी। या अगर आप लोग बात कर लें प्रोपोर्शन के हवाले से, तो हम लोग बात करते हैं कि जी कॉमसेट में जो है वो जी बहुत ज़्यादा लड़के पढ़ते हैं, या कॉमसेट में लड़के ज़्यादा हैं लड़कियों के मुकाबले में। ये हम लोगों ने एक जनरल स्टेटमेंट की, ये जनरल स्टेटमेंट बेसिकली आपके हाइपोथेसिस कहलाते हैं। जब आप इन जनरल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करते हैं तो क्या ये जनरल स्टेटमेंट्स वाकई ही वैलिडिटी कोई रखती हैं, तो उनको आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, ठीक हो गया जी। और आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में और दो तरह के आपके हाइपोथेसिस होते हैं। एक आपका नल हाइपोथेसिस होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एच नॉट के साथ, ठीक है, और दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और ये डिनोट होता है एच वन के साथ, कहीं बुक्स में होगा कहीं बुक्स में एच ए के साथ होगा, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप अपनी पॉपुलेशन के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो टेस्टिंग करेंगे वो आप अपने सैंपल की बेस के ऊपर करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि ये नल और अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस हैं ये बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है।
इट इज नॉट ऑलवेज ऑब्वियस हाउ द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड. केयर मस्ट बी टेकन टू स्ट्रक्चर द हाइपोथेसिस अप्रोप्रिएटली सो दैट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंक्लूजन टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन द रिसर्चर और डिसीजन मेकर वांट्स. इसमें कोई पहली बात, इसमें कोई सेट रूल नहीं है कि आपने इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने हाइपोथेसिस डेवलप करनी है. लेकिन कुछ केयर हैं, कुछ एहतियातें हैं, कुछ मामलात हैं, अगर आप उनको जहन में रखेंगे तो तब आपके हाइपोथेसिस सही बन जाएंगे. और आपके हाइपोथेसिस सही बनने का मतलब ये होगा कि आपके जो डिसीजन निकलेंगे उनके आप इंटरप्रिटेशन जो है वो बड़ी अच्छी कर पाएंगे. ठीक है जी. All hype, the context of the situation is very important in determining how the hypothesis should be stated. All hypothesis testing applications involve collecting a sample and using the sample results to provide evidence for drawing a conclusion. Good questions to consider when formulating the null and alternative hypotheses are: what is the purpose of collecting the sample? What conclusions are we hoping to make? अच्छा, आपके जो हाइपोथेसिस होते हैं ना, वो जिस सिचुएशन में डेवलप कर रहे थे वो सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है. ठीक है. और जितने भी आपके हाइपोथेसिस इंटरेस्टिंग होगी वो आपकी इन्वॉल्व करती हैं सैंपल कलेक्ट करें और उन्हीं सैंपल की बेस के ऊपर आपको रिजल्ट दें जिनकी बेस के ऊपर आप फैसला कर पाए. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर we stated that the null hypothesis, that is H naught, is a tentative assumption about a population parameter such as a population mean or a population proportion. The alternative hypothesis H is a statement that is the opposite of what is stated in the null hypothesis. In some situation it is easier to identify the alternative hypothesis first and then develop the null hypothesis. In other situation it is easier to identify the null hypothesis first and then develop the alternative hypothesis. We will illustrate these situations in the following examples. To kya hota hai, kuch situations mein do hypothesis aapke, ek null hypothesis hai, ek alternative hypothesis hai. Null hypothesis aapka jo hota hai wo aapko ek tentative assumptions population parameter ke mutalliq bayan karte hain, aur alternative hypothesis mein kya hota hai, bilkul uske ult jo hota hai na, jo aapne null statement mein kaha hota hai, bilkul uske ult aap jo hai wo baat अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में करते हैं. कई सिचुएशन में क्या होता है, आप इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, नल हाइपोथेसिस इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है. और कई सिचुएशन में क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है. अब वो सिचुएशंस कौन सी हैं जिनमें नल हाइपोथेसिस इजीली आइडेंटिफाई होगा और कौन से सिचुएशन में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो पढ़ते हैं. The alternative hypothesis as a research hypothesis. Many applications of hypothesis testing involve an attempt to gather evidence in support of a research hypothesis. In these situations, it is often best to begin with the alternative hypothesis and make it the conclusion that the researcher hopes to support. Consider a particular automobile that currently attains a fuel efficiency of 24 miles per gallon in city driving. A product research has developed a new fuel injection system designed to increase the miles per gallon rating. The group will run control test with the new fuel injection systems, looking for statistical support for the conclusion that the new fuel injection system provides more miles per gallon than the current system. Acha, kahin dafa kya hota hai, aap kisi cheez ko jo aapne research ki hoti hai na, उसको टेस्ट करना चाह रहे होते हैं. उस सिचुएशन में आप सबसे पहले क्या करें, आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएं. देखिए एग्जांपल देखिए, आज से कुछ अर्सा पहले जब होंडा ने 70 CC लॉन्च किया था तो उसने कहा था कि उसका बेंचमार्क जो मार्केटिंग का था वो क्या था, चले 70 लीटर, 1 लीटर में 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा. तो उन्होंने बेसिकली क्या किया था, वो अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे रहे थे कि जो मीन है डेट इज़ ग्रेटर देन 70. ठीक है. या अक्सर हम लोग बात आपस में कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं या आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस गाड़ी की एवरेज जो है ना वो
एवरेज जो है वो 12 किलोमीटर है, यहाँ 16 किलोमीटर है, यहाँ 18 किलोमीटर है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे रहे होते हैं उनको, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल में उन्होंने बात की कि एक फ्यूल इंजेक्शन का एक ऑटोमोबाइल गाड़ी एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्यूल उस एफिशिएंसी के लिए, वो पहले गाड़ी जो थी वो 24 माइल पर गैलन सिटी में ट्रेवल कर रही थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोई और फ्यूल इंजेक्शन नया सिस्टम डेवलप किया, ठीक है। जैसे हमारी गाड़ियों में पहले ओवर इंजन होते थे, कन्वेंशनल होते थे, फिर EFI इंजन आ गए, ठीक है। EFI इंजन ने क्या किया, वो आपके फ्यूल इंजेक्शन फ्यूल सिस्टम को ज़रा ज़रा और कंट्रोल करता है। तो इसी तरह उन्होंने भी फ्यूल इंजेक्शन एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया, और अब ये कह रहे हैं कि इनकी जो एवरेज होगी ना वो 24 से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये देखें वो लोग बात क्या कर रहे हैं, HA डेट इज म्यू ग्रेटर देन 24, वो लोग बात कर रहे हैं 24 किलोमीटर से, 24 माइल से ज़्यादा चलेगी, क्या एवरेज। सो म्यू ग्रेटर देन 24, सेवरल फ्यूल इंजेक्शन विल बी मैनुफैक्चर इंस्टॉल इन टेस्ट यूनिट्स एंड सब्जेक्टेड टू रिसर्च कंट्रोल ड्राइविंग कंडीशन, द सैम्पल मीन माइल्स पर गैलन फॉर दीज ऑटोमोबाइल विल बी कंप्यूटेड एंड यूज्ड इन अ हाइपोथेसिस टेस्ट टू डिटरमिन इफ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द न्यू सिस्टम प्रोवाइड्स मोर देन 24 माइल्स पर गैलन इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन पर गैलन। म्यू रिसर्च हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन 24 बिकम्स द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिंस द सिस्टम करंट सिस्टम प्रोवाइड्स एन एवरेज ऑफ मीन ऑफ 24 गैलन्स पर गैलन। We'll make the tentative assumption that the new system is not better, any better than the current system, and choose mu less than equal to 24 as a null hypothesis. तो हमने बात की थी कि null hypothesis जो होता है या alternative जो होता है ये एक दूसरे के बिल्कुल opposite होते हैं। जब greater than का sign 24 में आ गया, इसका मतलब है 24 लीटर से ज़्यादा की ये बात कर रहे हैं, तो null hypothesis इसका बिल्कुल उल्ट हो जाएगा, less than हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि इसके साथ लेस देन और इक्वल टू का भी साइन आ जाएगा, क्योंकि अगर 24 या 24 से कम हुआ तो फिर नल में होगा, और अगर 24 से ज़्यादा हुआ तो फिर अल्टरनेटिव में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो फिर दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट हो गई, कोई एक बात वैलिड रखेगी, वैलिडिटी रखेगी कि क्या वाकई 24 किलोमीटर से ज़्यादा किया है, तो HA जो है वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर 24 लीटर से 24 या 24 लीटर से कम किया है तो फिर हमारा एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपके रिसर्च हाइपोथेसिस बेसिकली इस तरह डेवलप होगा, ठीक है। द नल हाइपोथेसिस एज एन अजम्पशन टू बी चैलेंज्ड, ऑफ कोर्स नॉट ऑल हाइपोथेसिस टेस्ट इन्वॉल्व रिसर्च हाइपोथेसिस, जाहिर बात है हर हाइपोथेसिस रिसर्च हाइपोथेसिस तो नहीं होगा, ठीक है। इन द फॉलोइंग डिस्कशन वी कंसीडर एप्लीकेशंस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग where we begin with a belief or an assumption that a statement about the value of a population parameter is true. We will then use a hypothesis test to challenge the assumption and determine if there is a statistical evidence to conclude that the assumption is incorrect. In these situations, it is helpful to develop the null hypothesis first.
जब आप किसी बात को चैलेंज करते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में आप नल हाइपोथेसिस सबसे पहले डेवलप करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं अगर बात करता हूँ कि जी जो कोक की बोतल है ना, हाफ लीटर, उसमें यार हाफ लीटर ही 500, यानी कि हाफ लीटर का मतलब है 500 ml, यानी कि उसमें 500 ml ही जो है वो होगा, उससे या उससे कम होगा, आप कहते हैं। तो बेसिकली हम ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं नहीं सर ऐसा नहीं होता, उससे 500 हाफ लीटर से ज़्यादा भी कई बोतलें भरी जा सकती हैं। द नल हाइपोथेसिस एच नॉट एक्सप्रेसेस द बिलीफ और अजम्पशन अबाउट द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज दैट बिलीफ और अजम्पशन दैट इज इनकरेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। एज एन एग्जाम्पल कंसिडर द सिचुएशन ऑफ ए मैनुफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट्स, द लेबल ऑन द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल स्टेट दैट इट कंटेन्स 67.6 फ्लूइड ऑन्सेस। We consider the label correct provided the population mean filling weight for the bottles is at least 67.6 fluid ounces. Without any reason to believe otherwise, we would give the manufacturing the benefit of the doubt and assume that the statement provided on the label is correct. Thus, in an hypothesis test about the population mean fluid on weight per bottle, we would begin with the assumption that the label is correct. And state the null hypothesis as mu greater than equal to 67.6, यानी कि ये mu greater than equal to इसलिए लिखा गया क्योंकि at least का बात कही गई थी। The challenge to this assumption would imply that the label is incorrect and the bottles are being underfilled. This challenge would be stated as the alternative hypothesis, that is mu less than 67.6. Thus the null and hypothesis alternative hypothesis are this one. तो आपके null और alternative hypothesis जो हैं वो इस तरह से develop होंगे। फिर अ गवर्नमेंट एजेंसी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वैलिडेटिंग मैन्युफैक्चरिंग लेबल्स कुड सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। अच्छा, ये तो क्लेम हो गया। अब देखें उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, यानी कि डिसीजन कैसे होंगे। अ गवर्नमेंट एजेंसी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैलिडेटिंग मैन्युफैक्चरिंग लेबल्स कुड सिलेक्ट ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स कंप्यूट द सैंपल मीन फिलिंग वेट use the sample results to test the preceding hypothesis. If the sample results lead to the conclusion to reject H naught, the inference that HA mu less than 67.6 is true can be made. With this statistical support, the agency is full justified in concluding that the label is incorrect and underfilling of the bottles is occurring. Appropriate action of force the manufacturer to comply with labeling standards would be considered. However, if the sample results indicate H naught cannot be rejected, the assumption that the manufacturer labeling is correct cannot be rejected. यानी कि ये तो hypothesis development होगी। उसके बाद आप इन hypothesis को check करें, कैसे करेंगे? एक government agency है, उसकी responsibility थी कि जो ये बात कही गई उसको वैलिडेट करे। उस कंपनी ने क्या किया, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स का सैंपल लिया, उन सैंपल से उनका मीन निकाला, मीन फिलिंग वेट निकाला, और उस रिजल्ट को यूज़ करते हुए उन्होंने कहा जी, उस रिजल्ट को यूज़ करते हुए उन्होंने ये जो हाइपोथेसिस डेवलपमेंट हुई थी इसके मुताबिक डिसीजन ड्रॉ करना था। अगर तो सैंपल का रिजल्ट ने हमें ये लीड किया कि आपका एच नॉट जो है वो रिजेक्ट है, इसका मतलब ये होगा कि जो मीन की फिलिंग हो रही है ना, बोतलों की फिलिंग हो रही है, वो 67.6 से कम है। तो इस तरह करके आपका आगे हाइपोथेसिस के बाद आपका इस तरह प्रोसीजर होता है।
जब आप कोई बात क्लेम करते हैं तो आप बेसिकली नल हाइपोथेसिस सबसे पहले डेवलप करते हैं। यहाँ चले हम लोग एक और बात करते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर अ वेरिएशन ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल फिलिंग एग्जांपल बाय रिव्यूइंग द सेम सिचुएशन फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। पहले तो हम लोगों ने बात की ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मैन्युफैक्चरर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, द बॉटल फिलिंग ऑपरेशन हैज़ बीन डिजाइंड टू फिल सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स विद 67.6 फ्लूइड ऑन्सेस एज स्टेटेड ऑन द लेबल। द कंपनी डज नॉट वांट टू अंडरफिल द कंटेनर्स बिकॉज दैट कुड रिजल्ट इन अंडरफिलिंग complaint from customers or perhaps a government agency. However, the company does not want to overfill containers either because putting more soft drinks than necessary into containers would be an unnecessary cost. The company goal would be to adjust the bottle filling operation so that the population mean filling weight per bottle is 67.6 fluid ounces as specified on the label. अब मैन्युफैक्चरर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो कहता है कि ना तो मैं 67.6 से कम भरता हूँ, ठीक है, कम मैं भरूंगा तो मुझे कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आएगी, अगर मैं उससे ज़्यादा भरूंगा तो सारी बात है मुझे अननेसेसरी कॉस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी जो मीन है ना वो 67.6 है, मैं उसके मुताबिक ही भरूंगा। ऑल्दो दिस इज द कंपनी गोल, फ्रॉम टाइम टू टाइम एनी प्रोडक्शन प्रोसेस कैन गेट आउट ऑफ एडजस्टमेंट इफ दिस अकर्स इन एन एग्जाम्पल अंडर फिलिंग और ओवरफिलिंग ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स विल अकर इन आइदर केस द कंपनी वुड लाइक टू नो अबाउट in order to correct the situation by readjusting the bottle filling operation to be designed 67.6 fluid ounces. In a hypothesis testing application, we would again begin with the assumption that the production process is operating correctly and state the null hypothesis as mu is equal to 67.6 fluid ounces. The alternative hypothesis that challenges the situation is mu is not equal to 76.6. Which indicates either overfilling or underfilling is occurring. जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या करते हैं, आप बेसिकली ये कर रहे होते हैं, मीन इज इक्वल टू नल हाइपोथेसिस पहले आपने बनाना है, डेट इज इक्वल टू 67.6 एंड अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 67.6, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका सैंपल सेलेक्ट करेंगे, सैंपल सेलेक्ट करने के बाद सैंपल के रिजल्ट के बेस के ऊपर अगर तो ये हमारा सैंपल का रिजल्ट भी 67.6 के बराबर आ जाता है तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं आता तो हम लोग कहेंगे कि ये मीन जो है वो इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें कोई ओवरफिलिंग या अंडरफिलिंग का मसले आ रहे हैं। तो अभी तक देखें हम लोगों ने बेसिकली तीन तरह के आपके पास बेसिकली नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाने के तरीके हैं। पहला तरीका लेफ्ट साइड से देखें जिसमें म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट का मतलब है कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसके अगेंस्ट आप चेक कर रहे होंगे, ठीक है, और उसके अल्टरनेटिव में एच ई क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल लेस देन म्यू नॉट, और दूसरे में आप देखें म्यू एच नॉट जो है वो म्यू नॉट लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट। ये जो म्यू नॉट है बेसिकली जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा 67.6 या 24 था, ये म्यू नॉट बेसिकली किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कहा गया, और उसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन म्यू नॉट, और तीसरे में इक्वल और नॉट इक्वल है। अब आप इनमें देखें, हमेशा आपने याद रखना है कि आपका नल हाइपोथेसिस जो है उसके अंदर इक्वल साइन मस्ट आएगा, there will not be an equal sign in alternative hypothesis. Alternative hypothesis के अंदर कभी भी equal sign नहीं आएगा, हमेशा equal sign जो है वो आपका null hypothesis के अंदर ही आएगा, ठीक है जी। और ये पहली जो दो situation है जिनमें आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन है, पहले दो सिचुएशंस में हम उनको कहते हैं फॉर रीजंस, उसके नीचे देखें फॉर रीजंस दैट विल बी क्लियर लेटर द फर्स्ट टू फॉर्म्स आर कॉल्ड वन टेल्ड टेस्ट एंड द थर्ड इज कॉल्ड टू टेल्ड टेस्ट। ये इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर्स के अंदर कि वन टेल्ड टेस्ट कौन सा होता है, टू टेल्ड टेस्ट कौन सा होता है।
In many situations, the choice of H naught and H A is not obvious, and judgment is necessary to select the proper form. However, as the preceding form show the equality part expression either less than equal to, greater than equal to, or equal always appear in the null hypothesis. तो जो मैंने आपको पहले बात बताई कि इक्वालिटी साइन जो है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस के अंदर ही आएगा. इन सिलेक्टिंग द प्रॉपर फॉर्म ऑफ एच नॉट एंड एच ए कीप इन माइंड दैट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ऑफन व्हाट द टेस्ट इज अटेम्प्टिंग टू एस्टैब्लिश. हेंस आस्किंग वेदर द यूजर इज लुकिंग फॉर एविडेंस टू सपोर्ट एच लेस देन एच नॉट न्यू लेस देन ग्रेटर देन एच नॉट और एच विल हेल्प डिटरमिन एच ए. तो ये तीन तरह के बेसिकली आपके पास ये तीन ही फॉर्म्स होती हैं नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की. ठीक है, पहली जो दो फॉर्म्स हैं उनको हम लोग वन टेल्ड कहते हैं और जो तीसरी फॉर्म है उनको हम लोग टू टेल्ड कहते हैं. और हमेशा याद रखें नल हाइपोथेसिस के अंदर आपकी क्वालिटी साइन आता है, अल्टरनेटिव के अंदर कभी भी क्वालिटी साइन नहीं आता. ये नीचे आपके पास एक्सरसाइज है. ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में आपने करना क्या है, ये चार क्वेश्चन है. ठीक है, इन चार के आपने हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करने हैं. ठीक है जी, ये आपका आज का लेक्चर था. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोगों से डिटेल में दोबारा बात होगी. थैंक यू.